गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चैनल पे। आज मैं कॉइन स्विच पे वापस हूँ, क्योंकि जैसे तीन कंडीशन मैंने कॉइन स्विच पे बोली थी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कॉइन स्विच आपके पास है, मैं तो ये बोलूँगा कि कॉइन स्विच ने कोई भी इंडियन एक्सचेंज, तो उसमें यही रूल फॉलो कीजिए, आज नहीं तो कल आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इस पर वापस आया हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट ऊपर नीचे ये सब कर रहा था। तो तीन कंडीशन, पहली कंडीशन थी कि मैं प्लस 40 पे जाऊंगा तब बेचूंगा। तो आप अगर देखोगे तो आज का मेरा टॉप स्टॉक NMR है, जो कि 1248 है। तो यानी पहली कंडीशन प्लस 40%, यानी तो नहीं कंप्लीट हुई है। प्लस 40% कैसे पता चलता है? क्योंकि मैंने 1000 रुपीज़ का किया है, एक लाइन खींची है। अगर 1000 रुपीज़ के ऊपर प्लस 40%, यानी 1400 रुपये हो जाते हैं, यानी 1400 रुपीज़ होते हैं। 1400 रुपीज़ तो अभी हुए नहीं, तो 1246 ही हुआ है। तो ये पहले कंडीशन तो मीट नहीं थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कॉइन स्विच पे, कि माइनस 40% पे आए तो मैं फिर 400 रुपीज़ ऐड कर दूंगा, यानी 600 के नीचे जाता है तो मैं 400 ऐड कर दूंगा। तो चलो जाके देखते हैं नीचे दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखेंगे तो 598 है, राइट, सुशी और एल्गोर्ड, एल्को 604 है। तो सुशी में 598 है तो मैं 600 ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ सुशी की, राइट। सुशी इज़ ए गुड स्टॉक। अगर आप पूरा देखोगे, अभी क्या पिछला एक साल आपको कभी भी सही नहीं गया किसी के लिए भी, राइट। यानी पिछले दो साल तो हम सब के लिए भी सही गए हैं, किसी की जॉब गई, किसी की कुछ है कोविड के कारण, तो ये तो कॉइन बेचारे हैं। तो अगर आप देखोगे तो एक दिन में ये 3% के करीब गिरा है, एक वीक में 10%, एक महीने में 35% और एक साल में 79%, यानी ये गिर ही रहा है। लेकिन अब कंडीशन है और ये जब तक यहाँ पे ऐड है तो हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन वहीं आप ट्रेडिंग एक्टिविटी में देखोगे तो 85% लोग बाई करने जा रहे हैं, राइट। जैसे मैं बाई करने जा रहा हूँ, मैंने आपको बोला माइनस 40% पे क्राइटेरिया कर दिया है, तो बहुत लोगों को यही क्राइटेरिया समझ में आता होगा और वो इसीलिए इसको बाई करने जा रहे हैं। सुशी के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप इसको जा सकते हैं, और अब हम चले वो बाई कर लेंगे, राइट। हम बाई करते हैं, कितना बाई करना है हमें, 400 रुपीज़, राइट। तो हम इसको बाई कर लेते हैं 400 रुपीज़ में। 400 देखिए रुपीज़ का मैंने ले लिया, यानी 1.311215 सोशी मेरे पास आ जाएगा। अभी एक चीज़ मैं आपको ये वापस बताना चाहता हूँ कि आप जो भी क्रिप्टो में पैसा लगाएं, या स्टॉक मार्केट में लगाएं, या मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्किंग बिजनेस में लगाएं पैसा, वो पैसा आपका एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। देखिए, मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहता है काफ़ी स्टडी करने के लिए बात की, आपके पास जैसे ही पैसा है आप इन्वेस्ट ज़रूर करें। पहले सेविंग मत करें कि पहले मैं खर्च कर लूँ, एक्सपेंसेस कर दूँगा मंथली का, फिर करूँगा, तो नहीं करें। पहले एटलीस्ट आप शुरू में, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 15% निकालें अपना, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उसका 15% निकालें मिनिमम। 10% भी सफिशिएंट होता है, 10 से 15%, जो भी आपको लगता है, लेकिन मिनिमम 10% तो होना ही चाहिए। उसके ऊपर आप जितना निकाल सकते हैं उसका 50% आप सेव कर रहे हैं इसमें, स्टॉक मार्केट में। आप किसी भी, मतलब क्या, मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ तो अभी हिंदी मतलब बांग्ला, पाकिस्तान और श्रीलंका वाले ही समझ सकते हैं, राइट, और इंडिया वाले। तो आप 10% मिनिमम निकाल के आप उसको स्टॉक मार्केट में लगाएं, उसके बाद 30% उसको FD और RD में लगाएं, खासकर इमरजेंसी फंड के लिए, कि कल को कुछ भी इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास लिक्विड मनी हो जो आप तुरंत ही निकाल लें, भले वहाँ पे बहुत कम है। हम FD RD रिकमेंड नहीं करते हैं, बट अगर आप नया इन्वेस्टर हैं तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब बचता है 10-20%, तो 10% आप लगा दें इसमें, क्रिप्टो करेंसी में 10% आप लगा दें मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्किंग में, क्योंकि 10% जाएगा भी, क्योंकि ये दोनों 10-10% जो 20% बोल रहा हूँ बहुत ही रिस्की जोन है, राइट। क्रिप्टो में पैसा आपका जीरो तो नहीं होगा, ना डूबेगा ना जाएगा, बट यस, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपका 10% जीरो भी हो सकता है और आपको 100 भी बना सकता है विद इन अ मंथ, ठीक है। उसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम चूज़ करते हैं और कैसे। और ये सब पूरा वीडियो मैं एंटरटेनमेंट पर्पस और एक एजुकेशन पर्पस से भी ओनली बना रहा हूँ। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कैसे खेल रहा हूँ मैं बस वही दिखा रहा हूँ। आपको करना है नहीं करना है वो आपका रिस्क है, क्योंकि पैसा आपका है, आपका रिस्क है, हम लोग कहीं भी उसके जिम्मेदार नहीं है। तो चलो खरीद लेते हैं 1.311215, मैं खरीद लेता हूँ, रिफ्रेश प्राइस करता हूँ और इसको बाई कर लेता हूँ, राइट। अभी ये बाई कर लेगा,
करेक्ट। अब इसमें ये पूछते भी हो भैया रेटिंग क्या चाहिए, रहने दो, रेटिंग अभी नहीं देता हम। ठीक है, बस अभी बाहर आ जाते हैं हम लोग। अब तो ये तो होगा नहीं नीचे, अगर वो बोलती आपने ये सब है मार्केट, अगर आप देखो तो पिछले 24 घंटे का 1.19% डाउन है मार्केट, जहाँ पे NMR और टॉप गेनर तो भैया यही हैं, REP बैंड यही सब हैं, लेकिन ये 6% 2% ये सब किसी काम का नहीं रहता है। क्रिप्टो में देखा है हमने कि एक एक दिन में 25% 30% बढ़ते हैं, तो बस यही है मार्केट का ज्ञान और कैसे कॉइन स्विच में खरीदना, मैं आपको ये हमेशा दिखा देता हूँ। तो यही है, अभी मैंने ये डाल दिया। तीसरा कंडीशन जो नए हैं उनके लिए फिर से बता देता हूँ कि जैसे ये टोटल INR आपको ऊपर टॉप पे दिख रहा है 1920, वो जब 10,000 पहुँचेगा तो मैं उसमें से 5,000 रुपये विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में ले लूँगा और 5,000 रुपये वापस इसमें ही ऐसे ही रहेगा री इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, उस समय मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा तुरंत ही, जैसे अभी इसको रखा हुआ 600 के ऊपर ना, नहीं वो जो 5,000 जैसे ही बचेंगे तो 5,000 को सबसे लोवेस्ट स्टॉक्स में जितने जितने का डिफरेंस रहेगा 1,000 से, मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन पे ही काम करना है हमें, खासकर उन इंडियन एक्सचेंजेस पे, क्रिप्टो के एक्सचेंजेस पे जो इंडिया के हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर से। हर हर महादेव, धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।